Here's to the ones that we got. Cheers to the wish. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Hey guys, this is Sena and welcome back to my channel. So I'm very happy for today's video. And sorry guys, you would not see me in today's intro. You can only hear because I forgot to shoot the intro. Well guys, this is my first vlog and I'm going to Mahakaleshwar, which is in Ujjain, and I'm from Jhansi. As you already know, Jhansi to Ujjain mujhe travel karna hai. I was very excited to shoot a vlog, but I don't know how to shoot a vlog, so if it's a little bad, sorry for that, but I hope you will like it very much. So badhte hain safar ki or. Maine decide kiya tha ki hum Ujjain bus se jane wale hain. So bus Jhansi to Ujjain jo available thi wo morning to nahi thi, night mein hi thi. So night की बस ही लेनी पड़ी एंड नाइट में हम निकले 8 बजे, जो कि अगले सुबह 6 बजे उज्जैन हमें छोड़ने वाली थी. रात में मैं बस में सो गई एंड उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है. सो ये मैंने इंस्टा के लिए शूट किया था, जो कि यहाँ ऐड कर दिया. ये क्लिप है अगले सुबह 6 बजे की उज्जैन की. एंड ये जो व्यू आप देख रहे हैं वो जहाँ हमने स्टे किया था ये वहाँ का है. मॉर्निंग में काफी ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा था, सो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया. डिफरेंस नहीं है क्योंकि हम बस से गए थे, तो बस से डायरेक्ट ऑटो मिल जाता है. ऑटो में बैठ कर आराम से इस मंदिर जा सकते हैं. बस स्टैंड से थोड़ा दूर तो था मंदिर, और रात में हमें इतने सारे प्यारे प्यारे खेत भी दिख रहे थे. मेरा मन तो करता था कि मैं यहाँ जाकर अच्छा फोटो शूट करा लूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था, वरना मैं ये भी करती. और पूरे रास्ते ऐसा ही मेरा मतलब खेत वगैरह यही सब सारी चीज़ें थी, जिसका व्यू मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था. बट और मैं क्या ही शूट करती हूँ, बस यही मुझे पूरे रास्ते देखने को मिला, सो मैंने इसको ही शूट कर लिया. सो अभी तक जो आपने देखा वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यू था, सो मैंने सोचा राइट हैंड साइड वाला भी व्यू कवर किया जाए, सो मैंने इसको ही शूट कर दी. सो इस रिवर को पार करने के बाद आपको एक बोर्ड दिखाई देगा ब्लू कलर का, जिस पर लिखा होगा कि महाकाल नगरी में आपका स्वागत है. इट मीन्स कि फाइनली हम पहुंच गए हैं उस जगह. एंड इसके बाद एक रेड गेट, शायद हाँ वो गेट ही है, आई डोंट नो उसे क्या बोलेंगे. सो या ये इस टाइप का कुछ मेन एंट्रेंस, बट इसके बाद भी मंदिर काफ़ी दूर है. तो फाइनली आ गए हैं हम मंदिर के अंदर, बट अभी भी महाकाल बहुत दूर है, मतलब बहुत नहीं बट थोड़ा दूर है. ये सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए लगा रखी, मीन सॉरी डेकोरेशन नहीं बट बाकी सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग वगैरह हैं ना वो कहाँ कहाँ हैं, तो ये इन्होंने ऐसे कुछ बना रखा है यहाँ पर. एंड इसके बाद चलते जाना है, और चलते जाना है जो कि हम कर ही रहे हैं अभी. क्राउड बहुत ही ज़्यादा था, और शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर बन रहा है अभी और ज़्यादा, सो उसकी वजह से लग रहा हो, आई डोंट नो. मंदिर के बाहर एक मेला भी था जो कि बहुत अमेजिंग था, बट उसको मैं शूट करना भूल गई, और बहुत अमेजिंग था. उस सारी चीज़ें उसमें मिल रही थी, बट मैंने कुछ नहीं लिया, वो बात अलग है, बट बहुत अच्छा था. सो अब बढ़ते हैं ब्लॉग के मेन पार्ट की ओर, एंड जिसके लिए हम वहाँ गए एंड जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो. सो वो छोटा सा जो आप गेट देख रहे हो ना, वहीं महाकाल है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं होने दिया जा रहा है. आगे वाली क्लिप में आई थिंक आप क्लियरली देख रहा हो. सो हमने दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया एंड उसके बाद कई और मंदिरों के भी दर्शन किए, क्योंकि यार उज्जैन में कितने ही तो मंदिर घूमने के लिए. सो दर्शन करने के बाद यहाँ पे निकलना है, एंड इसके बाद जो मंदिर का व्यू है उसको मैं अभी इसके बाद शूट करूँगी, क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही शूट होगा. तो आप देखिए ना दर्शन महाकाल के. हमें तो घूमकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, क्योंकि कोई भी मंदिर जाओ पॉजिटिव वाइब्स तो यार आती ही है, और बहुत अच्छा मूड हो जाता है, मतलब पूरा बहुत 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 अच्छा लग रहा था हम लोगों को.
मैं व्लॉग थोड़ा कम कम ही शूट कर पा रही थी, क्योंकि ये एक तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, एंड दूसरी बात ये कि यार मैं वहाँ मतलब दर्शन करने गई थी ना, घूमने गई थी, यार व्लॉग का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट मैंने कहा जब आए हैं तो यार एक व्लॉग शूट करना बनता है, सो मैंने चालू किया फिर अपना कैमरा एंड स्टार्ट हो गई मैं। ये रहा मंदिर का व्यू, एंड यहाँ जब मैं गई तो मुझे एक बात और पता लगी कि यहाँ एक मंदिर है नाग देवता का, जो कि नाग पंचमी वाले दिन ही खुलता है साल में एक बार। तो एक मंदिर को घूमने के बाद हम लोग गए एक भीड़धारी की गुफा में, मुझे अभी तक उसका सही प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आ रहा है। तो ये वो गुफा है, मीन्स सॉरी ये गुफा नहीं है, उसके बाहर एक मंदिर था जो कि ये है, एंड गुफा कहीं मतलब गुफा जस्ट बगल में ही थी, बट हम वहाँ शूट नहीं कर पाए क्योंकि एक तो वहाँ इतना सफोकेशन हो रहा था और सच में सांस लेना ना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से मास्क भी। तो मैंने मंदिर शूट किया, गुफा में नहीं कर पाई। सो ये जो गुफा है काफ़ी फेमस है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर भी घूमने गए। सभी मंदिरों पर आपको भस्म देखने को तो ज़रूर मिलेगी। गुफा के बाहर एक रिवर थी जहाँ मैंने फोटोशूट करा लिए, क्योंकि हर जगह का फोटोशूट होना ज़रूरी था। तो महाकाल के दर्शन के बाद हम गढ़ कालिका के मंदिर भी गए, ऐसा माना जाता है कि यहाँ जाना जरूरी होता है, सो हमने यहाँ भी माता रानी के दर्शन किए, बट अगेन मैं वीडियो शूट करना भूल गई और पिक्स ही क्लिक कर पाई। सो इसके बाद हम लोग गए काल भैरव के मंदिर, जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यार जो भगवान जी हैं वो ड्रिंक करते हैं, मीन्स वाओ कितनी मतलब अलग ही मिस्ट्री है यार यहाँ की, कि जो काल भैरव हैं वो सच में ड्रिंक करते हैं एंड लोग देखते भी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं देख पाई क्योंकि काफी टाइम हो रहा था, क्राउड बहुत ज्यादा था, सो हम वहां से निकल गए। तो गाइस काफी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम गए इस गार्डन में या पार्क में, जहां मैंने ये इंस्टाग्राम रील में शूट कर रही थी, सो मैं ऐसी नौटंकियां कर रही थी अपनी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, एंड इसका व्यू मतलब वाओ। वैसे तो हम यहाँ मछलियों को कुछ खिलाने गए थे, बट इतना प्यारा व्यू देखकर मैंने सोचा इंस्टा के लिए एक रील ही शूट कर ली जाए, क्योंकि वीडियो में तो मैं आ नहीं पाई, तो मैंने सारे पिक्चर्स ऐड कर दिए यहाँ की, ये पिक्चर्स लिए क्योंकि घूमने में मैं इतना बिजी थी ना कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। सो फाइनली दर्शन कर लिए हमने, अब बारी है घर वापस आने की। सो हम बस में दोबारा से बैठ चुके हैं एंड घर वापस आ रहे हैं। आई नो ये ब्लॉग ज्यादा अच्छा तो नहीं बना, बट प्रॉमिस गाइस नेक्स्ट टाइम जब मैं ब्लॉग शूट करूंगी ना तो प्रॉपर करूंगी। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।